आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान में कैंसर मरीजों के इलाज हेतु स्थापित की गई उच्च तकनीक की हाई एंड मल्टीपल एनर्जी लीनियर एक्सेलेटर मशीन का किया लोकार्पण। कहा, अत्याधुनिक मशीनों से मिलेंगी पूर्वांचल के कैंसर रोगियों को इलाज में राहत। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा की सुविधा को उपलब्ध कराएगी सरकार। दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी फरियाद, निस्तारण के दिए आदेश। दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को अपने गृह जनपद पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण के दौरान अपने पालतू ब्लैक लैब्राडोर कुत्ता गुल्लू को दुलारा। रोमांच से भरा रहा मुख्यमंत्री का गुल्लू से प्यार भरा पल। परफॉर्मेंस ग्रांच में हुई अनियमितता के मामले में दिव्यारो हिमांशु शेखर ठाकुर व पूर्व प्रधान और पंचायत के 10 अधिकारियों कर्मचारियों पर दर्ज हुए मुकदमे के संबंध में पंचायत विभाग के कई संगठनों ने की डीएम से मुलाकात। डीपीआरओ को बताया निर्दोष, जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपदवासियों को दी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। कहा, शासन की योजनाओं को पहुंचाए जनता तक। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल ने नगरवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, नगर निगम परिवार नागरिकों की सुविधाओं के लिए है समर्पित, बिना भेदभाव के साथ निगम कर रही है काम। राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने किया आकाशवाणी केंद्र का निरीक्षण। कहा, आकाशवाणी केंद्र की मूलभूत सुविधाओं को लेकर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री से करेंगे बात, समस्याओं का कराएंगे निस्तारण। संपूर्ण थाना समाधान दिवस पर एडीजी जोन गुलेरिया व श्याम दे उर्वा थाने पर सुनी फरियादियों की फरियाद, निस्तारण के दिए निर्देश। 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर महानगर के चौराहों पर स्थित महापुरुषों की प्रतिमाओं को रंग बिरंगे झालरों से सजाने के साथ आजादी की रोशनी में डूबे नजर आए सरकारी भवन। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैंपियरगंज के भाजपा विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने लोगों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। क्षेत्रवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी शुभकामना। यात्रियों के मंगल यात्रा की कामना। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने सभी जनपद वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, सभी मिलकर करें कार्य, देश को पहुंचाएं बुलंदियों पर। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर आयुक्त ने दी महानगर वासियों को अपनी शुभकामनाएं। कहा, नागरिकों के लिए जल्द शुरू होगा जोनल कार्यालय, मृत्यु व जन्म प्रमाण पत्र बनवाने सहित टैक्स जमा करने में होगी आसानी। जनपद में जिला अस्पताल सहित 46 केंद्रों पर 11,042 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। शनिवार को फर्स्ट डोज लेने वालों में 1,210 लोग और सेकेंड डोज लेने वालों में 9,832 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अब तक 14 लाख लोगों को किया जा चुका है कोविड का वैक्सीनेशन। शिक्षक नेता स्वर्गीय यशवंत सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ शिक्षक सम्मान समारोह। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश, शिक्षकों को किया गया सम्मानित। तिरंगे की रोशनी में नहाया विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर। चेकिंग कर जीआरपी और आरपीएफ ने परखी सुरक्षा व्यवस्था। गोरखपुर में शनिवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,378। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। पहली बार हुए एक्टिव मरीज सिंगल डिजिट में मात्र 8। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी और युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बादल चतुर्वेदी ने नगरवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर चौराहों पर सजी झंडे की दुकानें। स्कूल कॉलेज बंद होने से झंडा स्टिकर बेचने वाले रहे मायूस। जजेस कंपाउंड में स्थापित साईं मंदिर में साईं बाबा की चरण पादुका का हुआ आगमन। भारी संख्या में साईं भक्तों ने किया चरण पादुका का दर्शन, लिया बाबा का आशीर्वाद।
और जनपद में हो रही लगातार बारिश से नदियों के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी। जिला प्रशासन अलर्ट, आपदा विशेषज्ञ ने कहा, तटबंधों और बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों में की गई है प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती, स्थिति सामान्य है।